नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के एक अपडेट के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो अब आपके नेट बैंकिंग में एक न्यू ऑप्शन आ गया है जिसके माध्यम से आप अपने कार्ड की लिमिट को सेट कर सकते हैं, जो कि ये फीचर पहले नहीं था, अब आ चुका है। चलिए हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं और इसका बेनिफिट क्या है, इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, आप इसके बारे में पहले जान लीजिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने क्रेडिट कार्ड के नेट बैंकिंग को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नेट बैंकिंग से लॉगिन कर लिया है। आप यहाँ पे साइड में देखोगे तो पहले यहाँ पे आपको सेट कार्ड यूज लिमिट, पहले ए आपको ए ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखता था, अब ए ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। दोस्तों, इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसमें आपको फायदा क्या मिलेगा, पहले मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिर मुझे यहाँ पे कार्ड नंबर सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। मैं कार्ड नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे कार्ड नंबर अपना चूज कर लिया यहाँ पे, जैसे कि क्लिक करके, और यहाँ पे अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे सामने कितना अच्छा ऑप्शन आ रहा है, पहले आप इसे देख लो। आप देखिए कि यहाँ पे अगर मैं अपने कार्ड के लिमिट को अगर मैं बढ़ाना घटाना चाहूँगा, तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इंटरनेशनल यूज के लिए अगर मैं कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कितना मस्त ऑप्शन दिया है, आप लोग देख सकते हो। आप देखो, यहाँ पे अगर अपने कार्ड के लिमिट को अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो, तो आप यहाँ पे कितना रुपया आप एटीएम से, अगर मान लो कार्ड पर कोई चोरी कर लिया या कोई आपका कार्ड अगर पा गया, तो कितना लिमिट और निकाल सकता है आपके कार्ड से। तो यहाँ पे आप जो है अपना लिमिट सेट कर सकते हो, और इसके बाद आप जो है कितना मर्चेंट के थ्रू कितना लिमिट आप उसमें कर सकते हो, निकाल सकते हो, डाल सकते हो। और इसके बाद आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो, कितना आप लिमिट सेट के आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ऑन ऑफ का ऑप्शन पहले नहीं था अपने, जैसे कि मान लो सिस्टम कहने मतलब कि मान लो अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉल आपको नहीं करना है, तो उसके सामने देखो यहाँ पे ऑफ वाला ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करके ऑफ कर दो। इसके मतलब इसका मतलब यह है कि अगर मान लो आपको एटीएम से कैश नहीं निकालना है, आप कभी निकालते नहीं हो, आपका कार्ड खो गया, तो कोई एटीएम से कैश नहीं निकाल पाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑफ आप पहले से कर रखे हो। अब अगर आप में मर्चेंट से कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका मर्चेंट सिस्टम यहाँ पे ऑन है। अब यहाँ पे अगर आप जाके यहाँ से अगर आप ऑफ कर देते हो तो कोई भी मर्चेंट पे आपका कार्ड यूज नहीं कर पाएगा। आप जैसे कि मान लो आप अपने पूरे कार्ड की लिमिट को पैसा अगर बैंक में ला चाहते हो या किसी और काम में अगर लेना चाहते हो, पूरा पैसा आप निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑफ का ऑप्शन है, आप नहीं निकाल पाओगे। अब यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की बात हो गई, तो आप 50,000 रुपया कम से ना कम इसका ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इंटर आपके कार्ड की अलग अलग लिमिट रहेगी, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑफ का। तो कहने का मतलब कि जितने सारे इसमें बेनिफिट की बात मैं करूँ, तो यहाँ पे देखो आप अपने आपके कार्ड में जैसे कि कैश विड्रॉल सिस्टम होता है, मर्चेंट मतलब कि आप किसी शॉप में जाके मशीन पे स्वाइप करके आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो वहां पे अगर आप चाहोगे तो एटीएम वाले कैश विड्रॉल सिस्टम को आप ऑन रख सकते हो, और इसके बाद मर्चेंट वाले सिस्टम को आप ऑन कर सकते हो या उसको भी बंद कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं कार्ड ऑनलाइन ना यूज करूं तो उसको भी आप यहां से बंद चालू कर सकते हो। तो ये बेनिफिट मुझे बहुत बेस्ट लगा। इसके माध्यम से क्या है, ये बेनिफिट है कि मान लो जिस पर्सन को एटीएम से कैश विड्रॉल नहीं करना आता हो, जैसे मान लो जिसके बारे में जिसको पता ही नहीं हो कि मेरे कार्ड की लिमिट कितनी है एटीएम से कैश विड्रॉल करने के लिए, काफ़ी लोग जो है थोड़ा से नहीं चेक करते हैं, वो अपना व्यस्त रहते हैं, तो इस हाल में कार्ड मान लो कोई पा गया, दोस्त यार पा गया या कोई फैमिली मेम्बर पा गया, तो ये काम वो नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये सिस्टम मुझे बहुत बेस्ट लगा, क्योंकि तो और कार्डों में और बैंकों में अभी तो मेरे को ऑन ऑफ का और लिमिट घटाने बढ़ाने का सिस्टम मेरे को लगा, बाकी इसमें जो जो सिस्टम है, जैसे कि मान लो आपको एटीएम से नहीं निकालना है, उसको ऑन करना है, ऑफ करना है, इस तरीके का सिस्टम भी बहुत मेरे को बैंकों में तो नहीं दिखा, बाकी इसमें मेरे को दिखा, तो बहुत बेस्ट लगा मुझे ये सर्विस। इससे आपका कार्ड और सिक्योर हो गया, भविष्य में कभी आपके संग फ्रॉड नहीं हो पाएगा, तो ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। और काफी लोग ये पूछते हैं कि न्यू कार्ड कब तक मिलेगा HDFC बैंक का, दोस्तों
इसमें दोस्तों वर्क चल रहा है, शायद बहुत जल्दी आप लोग को मार्च अप्रैल तक शायद आपको देखने को मिल सकता है। अभी दोस्तों इस पे बहुत जल्दी शायद खबर, अच्छी खबर आप लोग के लिए आ सकती है। तो बताओ आप लोग के लिए ये फीचर कैसा लगा, इसे बताना मुझे कमेंट में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।